कि मैं दीपावली के दिन अपने गंगानगर में जो मेरा आवास है वहां मेरी छत पे बंदर आ गए थे बड़ी संख्या में, और बंदर आजकल हिंसक हो रहे हैं। तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा छत पे दर्जनों बंदर हैं और वो जो सजावट हमने की थी उसे तोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक वो जो मेरा लाइसेंस अधिकार है 12 बोर वाली गन, उसमें जो है मैंने कारतूस जो धमाके वाला होता है और बिना उसके होता है वो छर्रे के, वो मैंने 2 फायर किए डराने के लिए। अब ये जो है गंगानगर थाने में, क्योंकि मेरा एक विवाद यहाँ एक भ्रष्टाचारी अधिक वो था इसको धर्मेंद्र कुमार खटीक, उसने जो है यहाँ हसनापुर थाने में 2.25 साल रहे एक नेता के संरक्षण में, और उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने 2.25 साल तक उस क्षेत्र में हर वो कार्य जो अनैतिक था वो किया है। अब वो मुझसे रंजिश रखते हैं क्योंकि मैंने उनके जो है मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ जो है शिकायत की, मीडिया ने प्रशासन से जानकारी की, उसके बाद उनको जो है सस्पेंड कर दिया उच्च अधिकारियों ने और उनके खिलाफ अब जांच भी चल रही है। तो जो धर्मेंद्र खटीक के आका हैं उन्होंने मेरे खिलाफ वो जो रंजिश थी धर्मेंद्र खटीक से जो मेरा विवाद चल रहा था उसी को दृष्टिगत रखते हुए मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे राजनीतिक जीवन में जो है वो एक वो भद्दा दाग लगाने के लिए षड्यंत्र उन्होंने किया है। मैं अपने घर पर फायरिंग कर रहा था और मैंने बंदर भगाने के लिए फायरिंग किया है, ना वहाँ पब्लिक का कोई आदमी था, उसकी वीडियो मैंने जो है फेसबुक पर जारी की थी। यदि मेरे मन में कोई उन्दात वो होता कोई द्वेष भावना तो मैं उसे जारी नहीं करता। तो ऐसे जो हमारे यहाँ तो हिंदू जो ये धर्म के जो त्यौहार हैं, कल गोवर्धन था उसमें जो है सैकड़ों लोगों ने जो है फायर किया, ऐसे रस्म रिवाज भी है, दीपावली में भी लोग फायर करते हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो शस्त्र धारक हैं जिन पर लाइसेंसी बंदूक हैं असला हैं वो अपने लाइसेंस को चेक करने के लिए, हथियार को चेक करने के लिए वो फायर भी करते हैं कि मेरा हथियार सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये मेरे खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है। तो ये लेटर जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और मैंने उनसे ये मांग की है कि मेरे खिलाफ जो ये मुकदमा आनंद फानंद में लिखा गया है, गंगानगर थाने के जो प्रभारी उन्होंने प्रेशर में ये मुकदमा लिखा, तो उनके खिलाफ ये जांच होनी चाहिए, मुकदमा निरस्त हो, नहीं तो मैं इसके लिए कोई ना जो है वो कोई आंदोलन का भी रास्ता अपना सकता हूँ।